वो दिन जब मैं मरा सालों पहले ग्राउंड जीरो सिविल वॉर का स्टैमफोर्ड। गलती मेरी थी और वो इसमें खींचे चले आए। नाइट्रो, एक विलन जिसे हम रोकने आए थे, एक साइको जिससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो कि मारे गए हजारों इनोसेंट्स हमारे साथ। बक मेरे साथ था, लेकिन जब वो हुआ तब टाइम स्लो हो चुका था। लेकिन एक थॉट मेरे दिमाग में था कि मैं अपने टीममेट्स के साथ मरूंगा, लेकिन वो भी मुझसे छीन लिया गया। कुछ घंटों पहले बैटल रैल में, जहाँ पर कलेक्टर नाइट ट्रैशर को ले आ चुका था और बताता है कि हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अब सेफ हाथों में हो, कलेक्टर के हाथों में। तभी बैटल रैल में ग्रैंड मास्टर के हेडक्वार्टर में ग्रैंड मास्टर, जो कि एल्डर है यूनिवर्स का, वो बता रहा था कि ये आइजोस्फीयर जो कि पूरा मुझे चाहिए, और ये तभी होगा रूल्स के हिसाब से जब हमारे सामने वाली टीम के कंटेस्टेंट्स मर जाए, और तब वो प्राइज मुझे मिलेगा। तब उससे कोई बात करता है जो कि था जैक गैलॉड्स पनिशर 2099। तब वो बताता है कि क्यों नहीं, तुम्हें वो मिलेगा, हम रिक्वेस्ट करेंगे सिक्स साइड मैच किसी भी रिंगर के बिना। तब कलेक्टर के पास अपने कलेक्शन में कुछ नहीं बचेगा और तब हमारा काम होगा उसकी पूरी टीम को एग्जीक्यूट करना। और इतना कहकर वो अपनी टीम की तरफ देखता है, जिसमें थे जॉय फिक्सेड, सेंट्री, वेनम, मैडम हाइड्रा, बुलसाई। वो लगभग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी जैक कैलॉस कहता है कि मुझे मिलाकर हम सभी समनर्स रिंग में जाएंगे और मास्टर को किल करेंगे। तब मैडम हाइड्रा कहती है, नहीं, वो नहीं है जिसने हमें इस सब में धकेला या फिर इस सब में खींच के ले आए, वो तुम हो। और नीचे जाने के बाद कौन ऐसा है जो मुझे तुम्हें मारने से रोक पाएगा। तब वो एक बटन दबाते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं ये सब एंजॉय करूंगा, लेकिन तुम लोग एक बैठो। तब मैडम हाइड्रा टेलीपोर्ट होते हुए कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही गैलॉड, आई स्वेयर मैं तुम्हें मार दूंगी। और तभी वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। रेड और येलो टीम दोनों ही फाइट के लिए तैयार थे। बुलसाई देख रही थी कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, और सेंट्री अपने अपोनेंट्स के लिए चेक कर रहा था अपनी सेंट्री सेंसर्स के साथ। और यही काम दूसरी तरफ माइस्ट्रो भी कर रहा था। और उस मिस्टिकल चीज को रिटर्न करते हुए वो बॉक्स रूम से कहता है कि बॉक्स रूम आइटम 7 को रिटर्न कर लो। और तब वो अपनी टीम से कहता है कि साउथ की तरफ हमारे अपोनेंट्स है, हमें जोर से मारना है और जल्दी। और उसकी टीम में थे एरिस, आउटलॉ, कुलोटीन, नाइट ट्रैशर और स्टिक। ये सुनकर नाइट ट्रैशर उसके पास जाता है, जिस पर माइस्ट्रो उससे पूछता है कि स्कैटबोर्ड सैम, तुम थोड़े लॉस्ट लग रहे हो, तुम हैरान होगे तुम कहां पर हो। तब नाइट ट्रैशर कहता है, हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं किडनैप हुआ मेरी डेथ से, जिस वजह से कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा, पर ये क्लियरली एक इंटर डायमेंशनल अरीना है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तब गुलोटीन कहती है, ये बहुत शार्प है, ये कौन है। तब आउटलॉ उसे बताता है, सीरियसली तुम इसे नहीं जानती, ये है नाइट ट्रैशर, ये ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क एक साथ है, आई स्वेयर मैं ब्रिटिश नाइट ट्रैशर बनने के सिर्फ इतना करीब था। तब गुलोटीन कहती है, हाँ उतना ही करीब हो गए। ये बातें नाइट ट्रैशर सुन रहा था, लेकिन वो आगे मास्टरों से पूछता है, जितना मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से हम बैड गाइस को जितना जल्दी पीटेंगे उतना जल्दी घर जा पाएंगे। तो माइस्ट्रो भी इस बात से सहमति दिखाता है। तब नाइट ट्रैशर एक स्ट्रेटजी बनाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, जैसा कि इसने कहा हमें फास्ट मूव करना होगा और हमें फ्लैंक करना होगा, एक डिस्ट्रैक्शन सेट करके हम दूसरी साइड से हमला करेंगे। तब स्टिक और एरिस इस सब में हामी भरते हैं और एरिस कहता है, ये स्ट्रेटजी कई बार बैटलफील्ड में काम आ चुकी है और हमें एक डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है, लेकिन वो होगा कौन। तभी माइस्ट्रो पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। तब वो समझ जाता है कि वही वो डिस्ट्रैक्शन है। तब एरिस को फेंकते हुए वो पूरी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहता है। यहाँ पर मैडम हाइड्रा कह रही थी कि गैलॉस का कोई नाम निशान नहीं है, और तभी सेंट्री कहता है कि मैंने अपने सेंट्री सेंसर्स हॉरिजन पर सेट कर दिए है, लेकिन मुझे आसपास कोई भी थ्रेट नहीं दिख रहा। तभी हम देखते हैं कि फेंका हुआ एरिस वहां पर पहुंच चुका था, और तब एरिस एक झटके में ही जॉय फिक्सेड की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है, और दूसरा वार वो करता है वेनम पर, उसके हाथ पर।
तब वेनम उसे टीज करते हुए कहता है, ये मेरी बॉलिंग आर्म थी, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, और वैसे भी तुम्हें पीछे देखना चाहिए। तो वेरिस कहता है, मैं तुम्हें फूल दिखता हूँ जो मैं पीछे देखूंगा। लेकिन तभी मैडम हाइड्रा उसे जकड़ लेती है और कहती है, उसकी जरूरत नहीं है एरिस, क्योंकि तुम्हारे बदले अब मैं थिंक करूंगी। और इतना कहकर वो उसके माइंड के साथ खेलना शुरू कर चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एरिस हार मानने वाला नहीं था, वो अभी भी मैडम हाइड्रा से फाइट करने की कोशिश कर रहा था। तब मैडम हाइड्रा उससे कहती है कि फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तब तक तुम मर चुके होगे, तुम्हारे बाद गैलोज और बाद में तुम्हारी बाकी सारी टीम, और जिस मोमेंट पर तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है तब तक तुम खत्म हो चुके होगे। लेकिन तभी उसे इंटरप्ट करते हुए नाइट ट्रेसर वहां पर आ चुका था और कहता है, तुम ऑल न्यू ऑल डिफरेंट डॉक्टर ऑक्टोपस लगती हो। तब उसे देखकर वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मर चुके थे, इसके ऑर्डर्स मैंने खुद दिए थे और मैंने तुम्हें मरते हुए देखा है। तब नाइट ट्रेसर कहता है, तो प्रोबेबली तुम अल्टरनेट अर्थ से हो, ये इंटरेस्टिंग है। और इतना देखकर ही सारी टीम उस पर हमला करने लगती है, जिसमें सबसे पहले बुलसाई अपने हथियारों को उस पर फेंकती है, लेकिन नाइट ट्रेसर उन्हें डॉज कर देता है और टीम वर्क के साथ पनिशर उसे पीछे से गोलियां मारने लगता है, जो गोलियां लगने के बाद वेनम उसे अपने पर ले लेता है ताकि बुलसाई को ज्यादा चोट ना लगे। लेकिन इस सब बीच में सेंट्री अपना आपा खो चुका था फाइट की वजह से। वो बार बार कह रहा था कि रुको, लड़ो मत, लड़ो मत, लेकिन यहाँ पर लड़ना रुक नहीं रहा था। तब सेंट्री एक क्लैप करके सब लोगों को शांत कर देता है और कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि लड़ो मत, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मैं जिस चीज को अवॉइड करना चाहता था वो आ चुका है, द वॉइड आ चुका है। लेकिन तभी वो अपने आगे स्टिक को देखता है, जिसे देखकर उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। और कुछ दिनों पहले ही उन लोगों ने एक एस्केप प्लान बनाया था सेंट्री की पावर्स और स्टिक के दिमाग के साथ। लेकिन तभी अपने स्टेल्थ मोड से बाहर निकलकर पनिशर 2099 उन लोगों पर हमला करता है अपने एक टेक से। तब वो कहता है, टोटली डिसइंटीग्रेशन, कोई भी इससे नहीं बच सकता, है ना मास्टरो? और तभी मास्टरो यहाँ पर आते हुए कहता है, हाँ, लेकिन ये दोनों गिल्टीज कर क्या रहे थे? तब वो कहता है, अपने दुश्मन से हाथ मिला रहे थे। तब मास्टरो कहता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं दे सकते, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया है।